अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खेल खिलाड़ी और खिलवाड़ में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको स्पोर्ट्स की दुनिया की उन बड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में बताते हैं जिनकी वजह से खेलों को शर्मसार होना पड़ा। आज हम बात करेंगे क्रिकेट की उन बड़ी लड़ाइयों के बारे में जिन्हें आज भी क्रिकेट की दुनिया में शर्म से याद किया जाता है। दरअसल क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है और कई बार खिलाड़ियों ने अपने व्यवहार से इसे साबित भी किया है, पर क्रिकेट के मैदान पर कई बार ऐसा हुआ है जिससे क्रिकेट का खेल शर्मसार हुआ है। क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं जब मैदान पर खिलाड़ियों के बीच आपसी कहासुनी झगड़े में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से यह खेल शर्मसार हुआ है। इस खेल में ऐसे कई मौके कई बार स्लेजिंग से शुरू हुए, बाद में लड़ाई में तब्दील हुए। स्लेजिंग में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हमेशा आगे रहे हैं, लेकिन अब आधुनिक क्रिकेट में तकरीबन सभी टीमों में स्लेजिंग करने वाले खिलाड़ी हैं। क्रिकेट के मैदान में आपने बल्ले से गेंद को पीटते हुए देखा होगा, लेकिन अगर वही बल्ला खिलाड़ियों पर चलने लगे तो क्या होगा? आइए आपको बताते हैं क्रिकेट इतिहास की ऐसी ही कुछ लड़ाइयों के बारे में जिसमें खिलाड़ी आपस में ही मैदान पर भिड़ गए। बरमूडा का चैंपियंस ऑफ चैंपियन टूर्नामेंट। बरमूडा का चैंपियंस ऑफ चैंपियन टूर्नामेंट के फाइनल में एक ऐसी घटना घटी जिसने क्रिकेट की मर्यादा को भंग कर दिया। इस घटना के बाद दोषी खिलाड़ी पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। विलोकर्ट्स और क्लीवलैंड के बीच खेले गए फाइनल मैच में क्लीवलैंड के एक विकेटकीपर जेफसन एंडरसन ने विलोकर्ट्स के बल्लेबाज जॉर्ज ओब्रायन को मुक्का मार दिया। इस पर बल्लेबाज ने घूमकर विकेटकीपर के सिर पर मारने के लिए अपना सिर घुमाया। इस पर अन्य खिलाड़ी दोनों को छुड़ाने के लिए दौड़े, लेकिन एंडरसन नहीं रुके और उन्होंने ब्रायन पर हमला जारी रखा, जिसके बाद क्रिकेट की दुनिया में काफी बवाल मच गया और ये घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। जावेद मियादाद और डेनिस लिली के बीच हुआ सबसे बड़ा विवाद। दरअसल डेनिस लिली और जावेद मियादाद दोनों ही अपने अपने देशों के शानदार खिलाड़ी रहे हैं। एक पाकिस्तान के चैंपियन बल्लेबाज थे तो वहीं दूसरे ऑस्ट्रेलिया के चैंपियन गेंदबाज। साल 1981-1982 में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच हुए एक मैच में डेनिस लिली और जावेद मियादाद के बीच क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई हुई। पर्थ में हो रहे पहले टेस्ट में जावेद मियादाद जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आए तब पाकिस्तान की हालत बेहद खराब थी, लेकिन मियादाद और मंसूर अख्तर ने एक बड़ी साझेदारी निभाई। इसी दौरान डेनिस लिली मियादाद से उलझ पड़े। डेनिस लिली मियादाद के रन लेने के दौरान जानबूझकर रास्ते में आ गए थे। उसके बाद वो मियादाद को धक्का देने की कोशिश कर रहे थे। जवाब में जावेद मियादाद ने तकरीबन लिली के ऊपर बल्ला ही दे मारा था। बाद में अंपायरों ने इस झगड़े को सुलझाया। इस झगड़े के बाद जावेद मियादाद और डेनिस लिली की काफी कड़ी आलोचना भी हुई। दौर बदला, क्रिकेट बदला और खिलाड़ियों के तेवर भी बदल गए। साल 2000 के बाद से हर टीम से चैंपियन खिलाड़ी निकले जिन्होंने विश्व क्रिकेट में एक अलग ही छाप छोड़ी, लेकिन वो भी अपने तेवरों को रोक नहीं पाए। सौरभ गांगुली की कप्तानी संभालने के बाद भारतीय खिलाड़ियों में भी जोश भर गया और ये खिलाड़ी भी अपने खेल के साथ अपने तेवरों के लिए भी पहचाने जाने लगे। आइए दिखाते हैं आपको साल 2000 बाद के सबसे बड़ी लड़ाइयों के बारे में। गौतम गंभीर बनाम शाहिद अफरीदी। गौतम गंभीर को टीम इंडिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक शुमार किया जाता है और शाहिद अफरीदी भी पाकिस्तान के महान क्रिकेटर्स में से एक रह चुके हैं। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब मैच होता है तो खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों का उफान भी जोरों पर रहता है, क्योंकि मैचेस हाई वोल्टेज होते हैं और यही जोश देखने को मिला साल 2007-2008 में, जब गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली थी। दरअसल भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान एक रन लेने के बाद गंभीर सीधे अफरीदी से भिड़ने चले गए थे। दोनों के बीच जबरदस्त बहस मैदान पर देखने को मिली थी। हालांकि बाद में अंपायरों ने इस झगड़े को खत्म करवाया था। वीडियो में यह साफ देखा जा सकता था कि दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे को जमकर गालियां दी थी।
विराट कोहली बनाम मिचेल जॉनसन। अक्सर क्रिकेट में यह देखा जाता रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्लेजिंग में हमेशा से आगे रहे। जब चीजें उनके हाथ से निकलती हैं या फिर कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो वो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ साल 2014-2015 के दौरे पर, जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर लड़ाई करने के लिए विख्यात रहे। साल 2014-2015 में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन विराट कोहली से जबरदस्त भिड़ंत की थी। मामला यहां तक पहुंच गया था कि जॉनसन ने कोहली के ऊपर गेंद तक फेंक दी थी। जवाब में कोहली ने इस गेंदबाज पर फप्ती कसी तो उन्हें माफी मांगनी पड़ी। इसका करारा जवाब देते हुए विराट ने जॉनसन की गेंदों की खूब धुनाई की थी। मैच के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की जमकर आलोचना भी की गई थी। विराट ने तो यहां तक कह दिया था कि वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल जॉनसन की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें वो काफी सम्मान देते हैं, लेकिन जॉनसन उन खिलाड़ियों में से नहीं है। श्रीसंत बनाम आंद्रे नेल। अक्सर हमने देखा है कि भारतीय क्रिकेटर्स और दक्षिण अफ्रीकाई खिलाड़ियों के बीच काफी अच्छी दोस्ती रही है, लेकिन एक वाक्या ऐसा भी है जो विवाद के रूप में आज भी याद किया जाता है। दरअसल साल 2007-2008 में टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थी और केप टाउन टेस्ट में भारत हार की कगार पर था, मगर टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी कर रहे श्रीसंत ने कुछ ऐसा किया जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दरअसल श्रीसंत ने आंद्रे नेल की गेंद पर छक्का जड़ दिया। छक्का जड़ने के बाद श्रीसंत का सेलिब्रेशन देखकर सब कोई हैरान रह गए, क्योंकि वो ब्रेक डांस कर रहे थे। बाद में टीवी इंटरव्यू में श्रीसंत ने इस वाक्य को याद करते हुए कहा था कि नेल ने उन्हें उकसाते हुए टिप्पणी की थी। वो बाउंसर से चोटिल करने की बात कर रहे थे, साथ ही उन्हें डरा रहे थे और खरगोश भी कह रहे थे। जवाब में श्रीसंत ने बल्ला भाजा तो गेंद बल्ले से कनेक्ट हो गई, जिसके बाद श्रीसंत ने इस गेंद को सेलिब्रेट भी किया। वेल, क्रिकेट में कई ऐसे इतिहास के विवाद हैं जो अभी भी याद किए जाते हैं। हालांकि ये विवाद वो विवाद रहे जो लंबे समय तक क्रिकेट में याद किए गए, पर कई विवाद ऐसे भी थे जहां पर चीटिंग साफ देखी जा सकती थी। आपको याद होगा भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा, जिसमें अनिल कुंबले कप्तान थे। बता दें आपको कि रिकी पोंटिंग वहां पर तीसरे टेस्ट में साफ तौर पर चीटिंग करते हुए नजर आए थे। यहां तक कि अंपायरों ने भी ऑस्ट्रेलिया को जिताने का ऐसा लग रहा था मानो मन बना लिया हो। भारतीय खिलाड़ी पूरी जोश में टीम इंडिया की तरफ से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की चीटिंग और खिलवाड़ से भारतीय खिलाड़ियों का मोटिवेशन भी डाउन हो गया। बड़ी बात यह थी कि यहां पर इस टेस्ट मैच में यह साफ देखा जा सकता था कि स्टीव बकनर टीम इंडिया को हराने की कोशिश कर रहे हैं। बात तो यहां तक हो गई कि जब अपील की गई और रिकी पोंटिंग ने आउट करार दे दिया, तो अंपायर ने रिकी पोंटिंग तक के कहने पर उन्हें आउट करार नहीं दिया। अब यह देखना दिलचस्प था कि क्या ये मैच ऑस्ट्रेलिया को जबरदस्ती जिताया गया था या फिर अंपायरों से वाकई गलती हुई थी। इस विवाद के बाद दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भी ये कहा था कि ऑस्ट्रेलिया को जिताने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये विवाद ऐसे रहे जिन्होंने पूरी तरह से क्रिकेट को शर्मसार करके रख दिया। हर कोई ये जानता है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम स्लेजिंग में माहिर है। अगर उनके हाथ से गेम निकलता है या जो भी खिलाड़ी उनके सामने अच्छा परफॉर्म करता है, वो उन्हें डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर दौर बदल चुका था। विराट कोहली जैसे क्रिकेटर टीम इंडिया में आ चुके थे, यहाँ तक कि एबी डिविलियर्स जैसे क्रिकेटर भी साउथ अफ्रीका में आ चुके थे। यहाँ पर उनके तेवर ऑस्ट्रेलिया के आगे काफ़ी खतरनाक दिखाई दिए और इस दौर ने पूरी तरह से क्रिकेट को बदल कर रख दिया। हम ये नहीं कहते कि स्लेजिंग पार्ट नहीं हो सकता क्रिकेट का, लेकिन इस तरह के विवाद भी क्रिकेट को शर्मसार कर सकते हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य कंट्रोवर्सी के साथ। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप कोई भी कंट्रोवर्शियल मुद्दा देखना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, हम वो खबर आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।